3 साल अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए। याद रखिए वीरेन जी, तब कोई ईवी की भनक नहीं थी, सिर्फ जो मेन बिजनेस था उसी पर दीवान साहब ने टिप्पणी करी थी, और तब से अब तक आपने यहाँ पर 100% रिटर्न आते हुए देखा है। मेरे ख्याल से ये भी बहिती साहब रिकॉर्ड हाई की ट्रैजेक्टरी में फिलहाल दिखेगा टाटा पार। ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई, 265-275 इसका ऑल टाइम हाई है। एक उनकी कॉल कोल इंडिया भी है। हाँ, है ना वीरेन जी, मैं आपको एक बार बताऊं, पूरी दुनिया और पूरा भारतवर्ष ईवी थीम तो खेल ही रहा है, लेकिन आप कोल इंडिया से परे नहीं हो सकते यहाँ पर, इसलिए क्योंकि जो हमारे देश का थर्मल पावर सेटअप है या जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पावर, और ख़ासकर जो कंपनीज जैसे कि सीमेंट प्लेयर्स, स्टील प्लेयर्स अपने प्लांट्स चलाने के लिए कोल इंडिया पर निर्भर हैं, ये काउंटर है हमारी जिंदगी में कम से कम सन 2045 तक। चलिए अब स्क्रीन, अब आशीर्वाद लेके आइए आशीष। क्या बात, स्क्रीन पे इतना आशीर्वाद है कि पूछिए मत। आशीष जी, चार मित्रों को आज हम लोग स्क्रीन पर जोड़ रहे हैं, और आपको खासा आमंत्रण वीरेन जी ने इसलिए दिया क्योंकि चर्चा होती हुई दिखेगी रेडिको खेतान। मैंने नहीं दिया, शैली दिया, मैंने नहीं दिया। वीरू की तो पकड़ बहुत तगड़ी है इस इंडस्ट्री में, मेरी जरूरत थी नहीं वैसे स्टूडियो में। ये आमंत्रण शैल जी ने भेजा, और आपकी जो पकड़ है इस सेक्टर पे, डिमांड सप्लाई ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास पूरी होती है। खैर, आपका जो इसमें तजुर्बा है उसको हम लेने की कोशिश करेंगे कुछ देर में। अगर आप देखें, देखिए आशीष चतुर्मोता जी, आशीष महेश्वरी जी, आशीष बहती जी, और मेरे प्यारे मित्र आशीष वर्मा जी स्क्रीन पे इस वक्त। चलिए, तो जबरदस्त आशीष बिखरता हुआ आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर जी, और रेडिको खेतान की अब तिमाही नतीजों की चर्चा होती हुई दिखेगी। मेरे ख्याल से सन 2021 का अगर एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मिंग मिड कैप रहा है तो वो रहा है रेडिको खेतान, और आशीष चतुर्मोता साहब ने यहाँ पर शानदार लॉन्ग कॉल्स दी हैं। वर्मा साहब इस चर्चा को शुरू करेंगे और फिर हम लोग अपने सवाल भी रखेंगे। आशीष जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक, और रेडिको खेतान के रिजल्ट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। साल दर साल आय में 12% का उछाल, पर इस दौरान इबीटा करीब 4.5% का दबाव दिखाता हुआ, और इस कंपनी के CFO दिलीप बंथिया साहब हमारे साथ जुड़ते हुए। बंथिया साहब, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आऊंगा रेवेन्यू मोमेंटम, डिमांड एनवायरमेंट वगैरह पर ये जो मार्जिन्स पे प्रेशर, जब राय बढ़ रही थी इबीटा दबाव में देखने को मिला, और इससे पहले जो इंडस्ट्री चैनल चेक्स थे, जैसे हम लोग के ग्लास की कीमतें बढ़ रही हैं, सुना है आपके ग्लास की कीमतें भी बढ़ रही हैं अलग से, ये कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है जो लार्जली मार्जिन्स पे इंपैक्ट कर रहा है क्या? जी नमस्कार, नमस्कार आशीष जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। जो इंपैक्ट है वो लार्जली ये कमोडिटी प्राइस में जो इंक्रीज हो रहा है उसका है। तो ये हमारे बिजनेस में IMFL बिजनेस जो है 83-84% ऑफ टोटल बिजनेस है, ब्रांडेड बिजनेस, उसमें ये इम्पैक्ट मॉडरेटली लोअर है बिकॉज ऑफ प्राइस, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रीमियमाइजेशन। लेकिन नॉन IMFL बिजनेस है, इसमें ये इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसमें इंक्रीज एक साल में एक बार मिलता है, और इस कारण जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है उससे मार्जिन में इम्पैक्ट रहा है नॉन IMFL सेगमेंट में। जहाँ तक इसका अपना परफॉर्मेंस का सवाल है, तो एज रेडिको खेतान अपना जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इम्प्रूव कर रहा है, और हमने इस क्वार्टर में भी अपने प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी ब्रांड्स को 18% प्लस ग्रो किया है, विच इज इन वैल्यू टर्म्स अराउंड 21%। जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में वो 2% रही है, उसके मुकाबले रेडिको खेतान का जो ओवरऑल क्वार्टर का परफॉर्मेंस रहा है 7.4% रहा है, और वैल्यू टर्म्स में 12% रहा है। आऊंगा इंडस्ट्री डिमांड मूड माहौल पे आऊंगा, तो फिर ये जो कमोडिटी प्राइस प्रेशर्स आप लोग झेल रहे हैं, इसको पास ऑन करने के लिए कहा गया था कि इंडस्ट्री बॉडीज ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोच भी करा था प्राइस हाइक्स के लिए, यानी कि हमारा ग्लास तो और महंगा करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पर उसको लेकर अपडेट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से किस तरह का फीडबैक आया है? कितनी और किस क्वांटम में कब तक रेट हाइक्स होंगी? किसी से पॉजिटिव अफर्मेटिव जवाब आया है नहीं आया है? तो ये एक जो चर्चा है वो इंडस्ट्री अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में कंटिन्यूअस बेसिस पे करती रहती है, एंड ज़्यादातर स्टेट की एक्साइज पॉलिसीज जो है वो फरवरी मार्च में आती हैं, तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि
उसमें जो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है उसको हमारे को कॉम्पेंसेशन इन आईएमएफएल सेगमेंट मिलने का उम्मीद है। तो 5-6 बड़े स्टेट में और इस पर बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, बट जैसे मटेरियलाइज होगा इट विल बी अनाउंस इन प्रेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड कंपनी विल ऑल्सो इंडस्ट्री बॉडी विल ऑल्सो कम आउट विद द पब्लिक इन्फॉर्मेशन। जी नमस्कार बंथिया साहब, मैं शैल बोल रहा हूँ स्टूडियो से ही, और डायरेक्टर साहब ने आप सबके सामने